लेकिन एक आखिरी स्टॉक अविनाश डायमंड पावर पे आप क्या सलाह देते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रदीप, कल जो न्यूज़ आई है कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बढ़ाई है, 6-7% इन्होंने स्टेक लिया है। पहले भी इस कंपनी में कोटक के पी ने थोड़ा बहुत निवेश किया था। मेरे ख्याल से कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड यू नो पावर इक्विपमेंट प्लेयर है, जहाँ पे ट्रांसमिशन टावर्स, पावर कंडक्टर्स, पावर केबल बनाती है। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से ये निवेश के बाद मार्केट्स ये देखेगी कि इसके अर्निंग्स ग्रोथ में क्या सुधार आएगा, बिकॉज क्लियरली हमने देखा था लास्ट एक दो क्वार्टर से परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द बक, ऑल्दो इसकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी बड़ी है, करीबन 4,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली इसमें एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। मेरे ख्याल से फोर्थ क्वार्टर के नंबर के बाद ही थोड़ा बहुत ये स्टॉक में वेदर फंडामेंटली निवेश करना है कि नहीं, वो मेरे ख्याल से बताना जाहिर होगा। ओके।